हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आपके विचार। यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ एक भाई साहब माइकल जी, जय श्री राम। और इनसे हम अभी चर्चा करने वाले हैं, जानेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये भाई जो हैं वो पशुओं की देखभाल करते हैं। कहीं भी अगर कोई गाय घायल है या फिर कोई भैंस या फिर किसी प्रकार का पशु घायल है उसकी ये देखभाल करते हैं। तो इनसे जानेंगे, इनसे चर्चा करेंगे कौन कौन सी ये काम करते हैं और क्या क्या सुविधाएं देते हैं। यदि आपके यहाँ पर कोई गाय घायल है तो इनसे आप कैसे संपर्क कर पाएंगे, और यदि आपके क्षेत्र में कोई पशु या कुत्ता या बिल्ली कोई घायल है या फिर कहीं फंस गया है तो इनसे आप कैसे संपर्क करेंगे, और ये वहाँ पर जाकर किस तरह से उसको जो ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं, इनसे चर्चा करते हैं। चलिए आइए, देखते हैं क्या कुछ होता है। बस ये देखिए भाई साहब, बैठे थोड़ा दूर हो जाइए ताकि अपनी चर्चा सही से हो जाए जी। माइकल, क्या सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए भाई साहब। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है जी, मैं छोटे शहर से ब्लॉक करता हूँ। मैं गांधीनगर पोरसा और मुरैना जिला तहसील मुरैना जिला का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले, ये बताइए आपका नाम तो वैसे योगेंद्र है लेकिन आप लोग माइकल माइकल क्यों कहते हैं? मैं डांस सिखाता था पहले, आज से 4-5 साल पहले। अच्छा, इसलिए मेरा नाम माइकल। अगर लोग मतलब माइकल माइकल बोलते तो मैंने तुम बोलो कोई ठीक है, कोई माइकल, कोई योगेश, कोई काली, कोई करुआ, कुछ भी बोले एक्सरसाइज चले आओ। हाँ, एनी टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आपका काम है ये पशुओं की देखभाल करना, कितने दिनों से कर रहे हैं आप? ये मिनिमम हो गए 2 साल के समथिंग होगा मुझे देख रेख करते करते। हाँ। जैसे कहीं कुत्ता घायल है वगैरह है तो, जैसे कहीं गाय है, सांड है, कोई भी एनी एक्सरसाइज कोई भी पशु हो। हाँ। तो हमें उनकी मतलब देख रेख करने बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई दुविधा है, जैसे हम किसी को साथ लेके नहीं चलते, मैं अकेला ही बंदा चलता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, कोई पशु अगर अकेला हुआ और अकेला मैं हूँ तो मुझसे जितनी हेल्प होती है मैं उतनी करता हूँ। अच्छा। और जब नहीं होती तो अपने फिर अपने दोस्त वगैरह हमारे साथ में ऐसे हैं जो JCB है, किसी पे ट्रैक्टर है, किसी पर कैसे, तो मैं उन लोगों को फोन लगा के बुला लेता हूँ, तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग तुरंत आते हैं हमारी सेवा में सम्मिलित होने के लिए। और फिर मैं उनके डॉक्टर को कॉल लगाता हूँ, डॉक्टर भी आ जाते हैं तो उनके ट्रीटमेंट भी, जो भी खाना पीना खर्चा वगैरह होता है उनका, वो मैं सब अपनी जेब से करता हूँ। अच्छा। हाँ, ना कोई किसी सरकार से, ना किसी, ना घर से, मैं अपने मेहनत करता हूँ, उसी से उन्हीं पैसों को उनमें लगाता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई साहब, आपको सलाम है। बाकी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो पशुओं के लिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा, ये आपको कब से लगन लगी, जो हालांकि ये काम हर कोई नहीं कर पाता है, कुछ विशेष लोग जो होते हैं उनको वो कर पाते हैं। लगन मुझे जब से लगी कि क्योंकि जब अपन को चोट लग जाए तो अपन एक दूसरे को बोल देते हैं, और जब इनको चोट लगे तो आंसू बस बहा के खड़े रहते हैं ये पशु, बस यही देखते हैं कि हमें भी कोई देखे, हमें कोई समझे, हमारे भी दर्द होता है। कोई मारता है, जैसे कि किसी पशु को मारा डंडा, एक अपने पीठ पे खा के देखो, एक डंडा एक पशु में दो और एक अपने पीठ पे दो, देखो दर्द बराबर होगा, क्योंकि जान उसमें भी है और जान अपने में भी है। इसलिए किसी भी पशु को बेरहमी से ना पीटें, ना मारें, ना उनको कुछ घायल करें। अगर किसी के खेत में खा वो घुस जाते हैं तो किसान वगैरह बल्लम वगैरह ये कर देते हैं, ऐसा ना करें। मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि वो खा जाएँ, कितना खा जाएंगे हैं, कितना खा जाएँ, थोड़ा बहुत खा जाएँ, अरे वो तो उन लोगों के बनाया हुआ वो पशु है जिनको आप पूछते हैं, फिर भी आप उन पर अत्याचार कर रहे हो, उनके दर्द को समझो। वो कह भी नहीं पाते हैं, वो कह भी नहीं पाते कि हमारे कितनी चोट आई है, कितना। कुत्ता अगर आपके द्वार पे आएगा तो वो 2 रोटी मांगने के लिए और कुछ नहीं, उसे आपके यहाँ से धन संपत्ति नहीं लेके जाएगा वो। नहीं नहीं, है ना। हम हाँ, कोई भी कुत्ता है, जैसे जेल घाट वगैरह, जैसे हमने बहुत कुत्तों को देखा, मतलब चल नहीं पाते हैं तो हमने उन लोगों को मतलब खड़े करने बहुत प्रयास किया है, कुछ मतलब कुत्ते खड़े भी हो गए कलिया से, मतलब जो अपाहिज हो जाते हैं, कमर से टूट जाती है, हमने उनके पैरों की मालिश भी की, पट्टी भी बांध के रखी, और रात रात को 9-10 बजे तक देखने भी जाता था कि वो कैसी कंडीशन है, उन्हें खाना भी खिला के आया था। तो जो भी करता हूँ अपनी जेब से करता हूँ, हालांकि मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ, मजदूर आदमी हूँ, एक सिलाई का काम करता हूँ और जाति से दर्जी हूँ, पर जितना भी आता अपनी जेब में, ज़्यादा तो आता नहीं, जितना हो सकता उतने में सहायता करता हूँ। अच्छा, तुम आज तक जो बात आती है तो कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में गए हो पशुओं की जो भी चोट लग गई या घाव हो गए तो उनको सही करने के लिए? मैं अपने पोरसा शहर में, मैं पशुओं की बात आई है तो मेरी नज़र में, जैसे मुझ पर कोई कॉल वगैरह तो नहीं आया, क्योंकि
सब अपने अपने कोई कोई दल है, कोई कोई दल है, कोई ये वाला दल है, पर दल बना लेते पर वो दल काम नहीं कर पाते। वो दल बना के काम करें ना तो वो बहुत अच्छा रहे, तो इन पशुओं को जीवन समझ। पर ये क्या है, दल बना लिए, ये आपके उपाध्यक्ष, ये जिला अध्यक्ष, ये फलाना ढीना चिमटा कर गुरु के एक साइड, पर उससे क्या महत्व निकल, कुछ नहीं। ये आप अपना नाम कर रहे हो, नाम तो जब होगा जब तुम अकेले करो वो काम और करके दिखाओ, जब लोग नहीं मतलब साथ देना फिर भी तुम लगे रहो। अच्छा, मतलब आपका जो काम है वो पूर्सा क्षेत्र या आसपास के और भी कोई गांव वगैरह है उनमें से आप संपर्क कर सकते हैं अगर कोई अगर आपसे फोन करे? हाँ, जैसे कि देखो मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मुझे अगर टाइम मिला तो मैं जरूर संपर्क कर सकता हूँ और जरूर आपको वो टाइम दे सकता हूँ। यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो उसको आप अपना नंबर दे सकते हैं मोबाइल में। क्या नंबर आपका? अब मेरा नंबर है 9109292228। तो आप लोग इस पे संपर्क कर सकते हैं और इन भाई साहब से कह सकते हैं यदि आपके आसपास कोई भी गाय है, कोई परेशान पशु है या उसका, जैसे कि हम देखते हैं कहीं ना कहीं गायों के जो किसान जो होते हैं खेतों पे जो बाड़ लगा देते हैं तारों की, उनसे कहीं ना कहीं पशुओं के पेट फट जाते हैं या फिर कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से उनके जो ब्लड होता है वो निकलने लगता है और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है पशु, तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना ये बहुत ही एक हेल्प का काम है, तो आप लोगों को हाँ क्या कहना चाहते हैं एक बार और इनसे बात कर लेते हैं। जो लोग पशु बांधते हैं, जो गाय वगैरह बांधते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ जब वो आपको दूध दे रही है तो आप उसको खिला रहे हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको धो के और छोड़ देते हैं, जैसे कि जाओ चाय कहीं भी खाओ, दूध पी लिया और जब दूध देना बंद कर दिया तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कोई पशु है, आदमी जब तक काम करता है जब तक उसकी देह में जान होती है, जब उसकी देह में जान नहीं होगी तो काम क्या घंटा करेगा। सही बात, ऐसा ही पशु का सिस्टम है, जब तक वो दूध देगा जब तक उसके शरीर में खाना पीना जाएगा, जब तक और उसका खाना पीना नहीं जा रहा तो सही देखभाल नहीं हो रही तो वो दूध क्या घंटा देगा। सही है, और तुम दूध पीने के लिए खड़े हो और जाके जिम वगैरह करने लगे, आके दूध दिया और फिर मुँचों पर ता दिया, एक निकल गए, उसको भी तो पूछो उसको क्या चाहिए। सही है, तुमने तो प्रोटीन खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, उसको पूछो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी भी तो देख रेख है, वो तुम्हें दूध पिला रही क्यों, तुम्हें तंदुरुस्त कर रही है, फुर्तीला बना रही है, तुम भी तो उसको फुर्तीला बनाओ। सही है, तुम उसको ढीला कर दे रहा दूध पी पी के। हाँ, और जब तुमने दूध देना बंद कर दिया तो अपने आप चढ़ के आओ कहीं जाओ, फिर उसको तुम खोल के छोड़ दो, मंडी में चल रहे हैं कहीं 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 किसी के लठ खा रहे हैं, कोई बढ़ा रहा है, कोई पानी उल्ला रहा है, कोई बल्लम मार रहा है, ये सब किसको सहम, मतलब तुम लोगों पर नहीं उल्ला रहा है, वो पशु पर उल्ला रहा है। सही है, तो मेरा भी जितने भी हमारे पशुपालक हैं किसान भाई हैं जहाँ तक वो पशुओं की देखभाल करें, और अगर आप कोई गाय बांध लेते हैं अपने घर में तो उसको बांध कर ही रखिए, आप जब दूध पी लेते हैं उसको छोड़ देते हैं ये गलत बहुत है, और इस पर सरकार भी बहुत कड़े कदम उठा रही है और आने वाले समय में देखने को मिलेगा हमें भी कि जो भी गाय हैं उनके जो नंबर होते हैं सीरियल नंबर बनाए जा रहे हैं और उनको उनके घर में ही रखा जाएगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। आज की वीडियो बस इतनी ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बात मैंने आपको बताई है आप किसी भी पशु की हेल्प कर सकते हैं, इन भाई का कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दे दिया है तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई पशु परेशान है कहीं कुएं में चला गया है या किसी जगह फंस गया है तो ये आकर के वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उसको बाहर निकालेंगे और उसकी सहायता करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी पशु की जान बचेगी तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो आप लोग इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।